अक्षरा को कायरव ने दी बड़ी जिम्मेदारी। आरोही और अभिमन्यु की शादी के खिलाफ खड़ा हुआ कायरव। वेल टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आरोही और अभिमन्यु की शादी की खबर सुनकर गोयनका हाउस में काफी ज्यादा बवाल होता नजर आने वाला है। कायरव का ये फैसला सुनकर हर कोई काफी ज्यादा शॉक्ड होने वाला है। कायरव बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर काफी कुछ बोलने वाला है। वेल टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है सालों से फैंस के दिलों पर राज कर रहा है। सीरियल में कई सारे इमोशंस और ड्रामे देखने को मिलते हैं और इतना ही नहीं प्रणाली राठौड़ और हर्षित चोपड़ा की जोड़ी भी फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इन दोनों सीरियल में मिमी के बर्थडे का ट्रैक चल रहा है जो कि थोड़ा लंबा ही हो गया है। इस बर्थडे ट्रैक में सालों बाद अक्षरा की मुलाकात बिरला परिवार से हुई। इतना ही नहीं अब मंजरी ने गोयनका को ये भी बता दिया कि आरोही और अभिमन्यु की शादी होने वाली है। जी हाँ, ये सुनने के बाद जहाँ पर पूरी तरीके से अक्षरा परेशान हो जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं, तो वहीं पर अभिमन्यु भी काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान नजर आता है। इसी के साथ ही साथ कायरव इस शादी के खिलाफ खड़ा होता नजर आने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में गोयनका हाउस में काफ़ी ज़्यादा बवाल होने वाला है। वेल टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मंजरी अभी और आरोही की शादी की न्यूज़ देकर बोलती है। उसने बताया कि इन दोनों ने एक कहानी शुरू की थी जिसे अब नाम देने का वक्त आ गया है। इन दोनों की शादी से बड़ी हमारे लिए और क्या खुशी हो सकती है। हालांकि मंजरी की बात से कोई खुश नहीं होगा, हर कोई बहुत ज़्यादा शॉक्ड होने वाला है। खासतौर पर कायरव बहुत ही गुस्से में आ जाएगा, बल्कि यहाँ पर मिमी भी काफ़ी उदास होकर अपनी बर्थडे कैप तक उतार देती है। वहीं पर आप देखने वाले हैं कि कायरव का गुस्सा काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। जी हाँ, एक तरीके से पूरी तरीके से फट जाएगा कायरव। कहानी में आगे देखने को मिलेगा कि मंजरी की बात सुनकर कायरव आरोही से सवाल करता है कि वैसे तो तू छोटी छोटी बात मुझे बताती है, लेकिन अब इतना बड़ा फैसला ले लिया तुमने। कायरव ये भी कहता है कि तुझे अभिमन्यु की जरूरत नहीं है, हम हैं यहाँ पर। इसी बीच कायरव को सब शांत करवाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कायरव जो है वो चुप नहीं होता है और फिर यहाँ पर अपना गुस्सा मंजरी अभिमन्यु पर निकालता नजर आता है। वो ये भी कहता है कि पहले इस इंसान ने अक्षरा की जिंदगी खराब की और अब आरोही की कर देगा। इस बात पर गोयनका हाउस में बहुत सारा ड्रामा देखने को मिलता है और इसी के साथ साथ यहाँ पर अपने आप को संभालती नजर आती है अक्षरा। वेल, कायरव काफ़ी ज़्यादा बवाल मचाता है और इसके बाद यहाँ से सभी लोग बिरला हाउस लौट जाते हैं। लेकिन अब कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आने वाला है जहाँ पर कायरव अक्षरा को एक जिम्मेदारी देने वाला है जिसमें वो अपनी बहन से कहेगा कि अब वही आरोही को अपना फैसला बदलने के लिए मना कर सकती है। लेकिन अक्षरा अपनी बहन के साथ खड़ी होगी और कहेगी कि वो आरोही के फैसले की रिस्पेक्ट करती है क्योंकि वो पति नहीं बल्कि एक पार्टनर चुनने जा रही है। ये सुनने के बाद कायरव बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर अक्षरा जो है वो बहुत ज़्यादा टूट जाती है, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालती नजर आती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आरोही और अभिमन्यु की शादी होती है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। टीवी और बॉलीवुड से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।